गाड़ी में बैठे छोटे लड़के ने गलती से कार के एंटी थेफ्ट सिस्टम को ऑन कर दिया, जिसके बाद गाड़ी प्रोटेक्शन में चली गई और सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद होने लगे। माँ जो बाहर थी वो ये देखकर डर गई और उसने जाकर विंडो को एक लकड़ी की मदद से रोकने की सोची, लेकिन लकड़ी उसी में कटकर अंदर गिर गई। जिसके बाद दरवाजे खोलने की सोची, लेकिन दरवाजे पहले से ही बंद हो चुके थे, जो सिर्फ अंदर मोबाइल से ही खोल सकते हैं। अब वो अपने बच्चे को सिस्टम को फोन से अनलॉक करने के लिए कहने लगती है, लेकिन बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगी। बच्चा डर के मारे फोन नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर औरत और भी चिंतित हो जाती है और वहाँ पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो एक पत्थर लेकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर लड़का बहुत घबरा जाता है और रोने लगता है। इधर शीशे पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके बाद औरत अपने बच्चे को छुपा देती है। फिर वो नजदीक के एक सब स्टेशन पर मदद मांगने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है, इसलिए वो चुपके से अंदर घुस जाती है। फिर वो वहाँ पर आकर सामान को देखने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक टॉर्च और एक पाना मिल जाता है, जिसके बाद वो पाने को लाकर गाड़ी के आगे वाले शीशे को तोड़ने लगती है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी शीशा टूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए वो गाड़ी पर लेटकर सोने लगती है, ये सोचकर कि अगले दिन शायद कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता है कि अगले दिन उसके लिए और भी परेशानी आने वाली है।